नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक्सप्लोर मोर में। आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कैसे मैंने 700 रुपीज इन्वेस्ट करके 95,000 रुपीज अर्न करे ड्रीम इलेवन में। और कुछ भी ब्रैग नहीं है, कुछ भी हवाबाजी नहीं है। जिन लोगों को, जो लोग स्टार्टिंग से टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को पता होगा जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था मेरे पास 0 बैलेंस था ड्रीम इलेवन में, 0 विनिंग्स थी। और मैंने सिंपली 700 रुपये स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करे थे फर्स्ट मैच में, और उससे मैंने 95,000 रुपीज अर्न करे। हालांकि इससे अमाउंट बहुत ज्यादा और एक्सीड होता, बट क्यों नहीं हुआ वो भी बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप लोग 27 नवंबर से इंटरनेशनल मैच शुरू हैं, और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशनल हो सकती है, काफी ज्यादा फायदा करा सकती है अगर यही आप लोग ट्रिक फॉलो करोगे। किसी भी मैच में कर सकते हो बेसिकली, तो सिंपली मेक श्योर वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। वैसे ही मैंने पिछले 1.5 महीने से गैप लिया है क्योंकि कुछ इश्यूज चल रहे थे लाइफ में, वो फिक्स करने बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब मूव ऑन करके मैं यूट्यूब पर वापसी कर रहा हूँ। इस दौरान जो भी लोग मुझसे जुड़े रहे हैं, इस चैनल से जुड़े हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, मेक श्योर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। तो बेसिकली ये वीडियो एक कम्युनिकेशन है आपके और मेरे बीच में। मैं सिंपली आप लोगों को बताने वाला हूँ, कुछ भी ब्रैग नहीं है, इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने 700 रुपये इन्वेस्ट करे थे, मैंने आप लोगों को बताया होगा ड्रीम इलेवन जो भी खेलते हो हेड टू हेड लीग्स में 15 रुपये, 21 रुपये वाली, 59 रुपीज वाली बहुत सारी लीग्स हैं छोटी छोटी, वो हेड टू हेड आप लोगों को ज्वाइन करनी है। 2 दिन पहले, 48 आवर्स पहले बेसिकली हेड टू हेड ओपन हो जाती है किसी भी मैच के लिए, तो वो आप लोगों को ज्वाइन करनी है। रैंडम 11 प्लेयर्स आप लोगों को पिक करने हैं ताकि वैसा ही ओपोनेंट आप लोगों के पास आए। रैंडम 11 प्लेयर आप लोगों ने पिक कर लिए, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही 11 आ जाती है, प्लेइंग 11 आ जाती है, ग्रीन सिग्नल आप लोगों को दिख जाता है कि ये प्लेयर खेल रहा है, उसके बाद जो मोस्ट पिक 11 प्लेयर्स हैं उस मैच के लिए, 22 में से जो 11 सबसे ज्यादा पिक है, क्योंकि आप लोगों को अब ड्रीम इलेवन पे पता चल जाता है कितने परसेंटेज लोगों ने इस प्लेयर को सिलेक्ट करा है, टॉप 11 जो पिक है उस मैच की उनको आप लोगों को पिक करना है। जिसको मैक्सिमम लोगों ने कैप्टन करा है वो भी आप लोगों को दिख जाता है, उसको कैप्टन करना है। जिसको मैक्सिमम लोगों ने वाइस कैप्टन करना है उसको आपको वाइस कैप्टन करना है, बस इतना ही आप लोगों को करना है बस। इसमें से बहुत सारे ओपोनेंट ऐसे आते हैं जो, जिन लोगों ने अपडेट ही नहीं करा होता, बहुत सारे ओपोनेंट ऐसे आते हैं जो लोग 2 दिन पहले ही टीम बनाई है और वही टीम के साथ उतर जाते हैं, जिनमें से काफी सारे प्लेयर प्लेइंग 11 में भी नहीं होते। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत ही सिंपल यही प्रोसीजर मैंने फॉलो करके 700 रुपये से 95,000 रुपीज अर्न करे। हालांकि मैं इससे भी बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकता था, बट जैसे ही मेरा अमाउंट 50,000 से एक्सीड करा, मैंने बहुत सारी फालतू की लीग्स खेली जिसमें मैंने बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करे बट मैं वो हार गया। तो मैं सिंपली आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को करना क्या है, स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करना और उसी स्मॉल अमाउंट को 2 दिन पहले ज्वाइन करके मल्टीपल करनी है अपनी अर्निंग। और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, 2 दिन पहले छोटी छोटी हेड टू हेड ज्वाइन कर लेनी है, छोटी छोटी बहुत सारी ज्वाइन कर लो अगर ज्यादा अमाउंट अर्न करना है तो, छोटी छोटी लीग ज्वाइन कर ली आप लोगों ने रैंडम प्लेयर पिक करके, जैसे ही 11 ड्रॉप हो जाए उसके बाद आप लोगों को सिलेक्टेड प्लेयर्स देखने हैं, ये टॉप 11 कौन से उस मैच के, उनको पिक करना है। जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने कैप्टन बनाया उसको कैप्टन बनाना है, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने वाइस कैप्टन बनाया उसको वाइस कैप्टन बनाना है, दैट्स इट। यही करके मैंने 700 रुपये की 95,000 रुपीज अर्न करे। कैन यू इमेजिन, बहुत सारे तो लोग ऐसे आते हैं रैंडम, यानी कि जब मैंने बड़ी हेड टू हेड खेलना शुरू कर दी 5,000 वाली, उसमें भी कई बार ऐसा हुआ कि बंदे ने अपडेट ही नहीं करी थी टीम, उसके जो प्लेइंग 11 के प्लेयर्स थे वो भी पूरे पूरे नहीं थे कंप्लीट, उसमें से एक आध प्लेयर खेलता ही नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप लोग 2 दिन पहले ज्वाइन करते हो तो अपडेट जरूर कर लो। हालांकि एक आध बार मेरे से ही मिस हो गया अपडेट करना, तो मेक श्योर अलार्म सेट कर लो। तो बेसिकली ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी और मैं स्टार्ट करना चाहता था, तो मैं सोच रहा था कि जहां से मैंने एंड करा है आईपीएल से, मैं उसी के बारे में एक वीडियो क्रिएट करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, क्योंकि 27 नवंबर से इंडिया की भी मैचेस शुरू है, ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका की भी सीरीज शुरू है और न्यूजीलैंड की भी सीरीज शुरू है वेस्ट इंडीज के साथ, तो आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और अफगानिस्तान का भी एक सिंगल मैच है टेस्ट मैच, तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। 27 नवंबर से इंटरनेशनल मैचेस शुरू हैं और यही ट्रिक फॉलो करके आप लोग अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि मैंने करी है तो कोई भी कर सकता है, और अगर आप लोगों की हाफ हार्टेड नॉलेज है तो भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिंपल सी चीज बताई है जो कि बहुत ही इजीली कोई भी अर्निंग कर सकता है इस ट्रिक के साथ। मैंने करी है, हालांकि मैं इससे भी और भी बहुत ज्यादा करता है। लालच मत करना, ग्रैंड लीग वगैरह मत खेलना ज्यादा, जिस मैचेस में चांसेस ज्यादा होते हैं उसमें खेल सकते हो ग्रैंड लीग, बट जिस मैचेस में चांसेस नहीं है, जो जिसकी हर एक को नॉलेज है, उस मैचेस में हेड टू हेड खेलो और 2 दिन पहले ज्वाइन करो तो बहुत फायदा हो सकता है, जैसे कि मेरा हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं एक्सप्लोर मोर। जो लोग इस दौरान मेरे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कर देना, कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए हो वीडियो को लेकर या मेरा कमबैक अगर हो सकता है तो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं एक्सप्लोर मोर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर बिल्कुल नहीं हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। धन्यवाद।